अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये मैं यूनिवर्सिटी गई हुई थी, लेकिन हमारे जो सर थे ना, आधा घंटा लेट थे। तो मेरी दोस्त ने वहाँ पे मुझे एक मेरी दोस्त भी मिल गई, तो जिसने कहा कि मैं ना तुम्हें मतलब पूरी यूनिवर्सिटी घुमा के आती हूँ जब तक सर आएँ। तो उसने मुझे यूनिवर्सिटी घुमाई, और ये वाला मतलब उसने कहा था कि मतलब मैं डिपार्टमेंट्स दिखाती हूँ कौन कौन से उनके डिपार्टमेंट्स है। ये मेरी एक फ्रेंड थी रिदा, उसका डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस का। तो ये मतलब यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था, बस एक दो तो बच्चे थे यहाँ पर। तो उसने कहा तो मैं ना घुमा फिरा कर आती हूँ। और ये वाली जो ये सामने सारी लैब्स थी, और सर के यहाँ पे ऑफिस से, तो मुझे साथ साथ बताती जा रही थी। और ये सीधा जो मेरी फ्रेंड जो साथ थी, उसका आईटी डिपार्टमेंट था, ये वाला जो था आईटी डिपार्टमेंट, लेकिन ये ना बंद था, लॉक लगा हुआ था, इसलिए मैंने यहीं से कैप्चर कर लिया। तो फिर हम लोग यहाँ से सीधा निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना इस तरह की वाइब्स आ रही थी कि बंदा जिस तरह हम लोग बचपन में हॉरर मूवीज़ के सीन देखा करते थे या हॉरर ड्रामा आ जाया करता था, तो वहाँ पर बिल्कुल कोई भी नहीं होता था। इस तरह होता था कि यहाँ से निकल के कोई भी आ जाता है, इस तरह की वाइब्स आ रही थी। और ये वाला जो था, ये वाला डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस का था। तो इसके बाहर मेरी फ्रेंड ने कहा कि एक और भी डिपार्टमेंट है, मेरी एक और फ्रेंड थी उसका डिपार्टमेंट, वो कह रही थी दिखाएगी। तो वो हम लोग निकल गए थे। ये सारी पॉइंट्स खड़ी हुई थी जो कि मतलब बच्चों को छोड़ मोड़ कर आ गई थी। और इसके मतलब इस साइड ही मेरी फ्रेंड का डिपार्टमेंट था, और हम लोग ये वाला मेरी फ्रेंड का डिपार्टमेंट है। हम लोग गए थे, लेकिन यहाँ पर अंकल ने बोल दिया कि यहाँ पर ना कोई भी बच्चा नहीं है, तो आप लोग सीधा चले जाएँ। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बाहर से देख लिया है तो अंदर जाने की कोई नीड नहीं है। फिर हम लोग यहीं से, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना, मेरी फ्रेंड ने इतने में मुझे कहा, कह दिया कि लाइब्रेरी से घूम के आते हैं, जो कि लाइब्रेरी है, हमें पैदल चलने में मतलब 15 मिनट लगने थे। तो हम लोग निकल गए लाइब्रेरी जाने के लिए। ये वाला जो है ना, मतलब यहाँ से सीधा जाते हैं, हमारा सामने डिपार्टमेंट आता है, और ये इसके साथ ही गेट है, ये वाला गेट है साथ में। फिर यहाँ से हम लोग सीधा मतलब लाइब्रेरी के लिए जाने के लिए निकल गए थे। ये मतलब यहाँ से हम लोग सीधा मतलब हमारा डिपार्टमेंट है। और ये वाला जो था इंग्लिश डिपार्टमेंट था, इंग्लिश डिपार्टमेंट से आगे एक और डिपार्टमेंट था। खैर हम लोग निकल गए थे मतलब लाइब्रेरी जाने के लिए। हम लोग रास्ते में बातें करते हुए गए थे, इंजॉय करते हुए जा रहे थे, इधर उधर की बातें करते हुए, क्योंकि ना लाइब्रेरी मतलब पैदल जाते जाते हमें 15 मिनट लग जाने थे। और मतलब शाम का टाइम था, फ्राइडे था कल, तो इतने बच्चे भी नहीं थे, और मतलब छुट्टी का टाइम भी था तकरीबन। सब बच्चे जा रहे थे, जो हॉस्टल वाले थे वो आ रहे थे अंदर, तो इतने बच्चे नज़र ही नहीं आ रहे थे इसलिए। और सर भी लेट थे, तो हम लोगों ने सोचा कि आगे से घूम फिर के सारी यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। और वो जो सामने ऑफिस था, वो मेरे ख्याल से ऐसे ऑफिस था, मतलब वहाँ पे ये कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था। अभी भी वो सामने नज़र आ रही थी। हम लोग यहीं से देख के खुश हो रहे थे कि मतलब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। और ये फाइनली हमने तकरीबन करीब करीब ही पहुंच गए थे। और ये वाली जो बिल्डिंग थी, यहाँ पर वाईफाई के कनेक्शन होते हैं सारे, और वो सामने हमें अपनी फाइनली मंजिल नज़र आ गई थी, जहाँ पे हमने जाना था लाइब्रेरी में, कि मतलब लाइब्रेरी से अंदर से घूम फिर के आना था। पहले तो हमें लगा था कि बंद है, हम लोग यहाँ पे करीब पहुँच गए थे, तो मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं बंद लग रही है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इतनी दूर आए भी और फ़ायदा भी नहीं हुआ, मतलब लाइब्रेरी बंद थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ नहीं होता, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और मुझे यहाँ पर नज़र आ गए फूल, और मैं फूल देख के तो मतलब वैसे ही दीवानी हो जाती हूँ बंदा मतलब। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे फ्लावर्स की कुछ कैप्चर कर लेते हैं वीडियो। और ये लाइब्रेरी के बाहर इतने सारे फूल लगे हुए थे, मतलब लाइब्रेरी के बाहर जो भी था ना, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये सारे फूल लगे हुए थे, और मैं लाइन से जा रही थी, वीडियो बना कर आ रही थी, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सीन लग रहे थे। मुझे यहाँ पे फूल नज़र आ जाना, मैं तो मेरा दिल करता मैं वहीं पे रुक जाऊँ, खड़ी हो जाऊँ वहीं पे, मतलब दिन गुजारे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मतलब छोटे छोटे से, और वहाँ पर ना, वहाँ पर वो ये सूरजमुखी के भी सनफ्लावर भी लगे हुए थे। और ये हम अंदर जा रहे थे, हमें एक लड़का अंदर गया था, तब हमें पता चला कि नहीं ओपन है लाइब्रेरी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम भी अंदर से हो जाते हैं, और ये हम अंदर इंटर हो गए थे। यहाँ पे मतलब बहुत मतलब सुकून था, मतलब इतने कोई बच्चे नहीं थे, क्योंकि ना फ्राइडे था, फ्राइडे में मतलब बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, इसलिए इतना रश नहीं था, बस कुछ ही लड़के बैठे हुए पढ़ रहे थे, और वो भी हम इस तरह देख रहे थे जैसे मतलब पता नहीं कौन आ गया हो। और ये सारी बुक्स पड़ी हुई थी लाइन वाइज, बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत सुकून था लाइब्रेरी में। मतलब जब भी मतलब अगर मतलब किसी को मतलब पढ़ना हो जाके, मतलब आराम से कौन से जाके बंदा खुद बैठ के पढ़ ले, अगर किसी ने नहीं पढ़ना साथ में, तो बंदा अकेला जाके बंदा पढ़ के आ सकता है, मतलब इतना सुकून था वहाँ पर। ऊपर हम लोग जा नहीं सके, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन था ना, अभी फ़िलहाल उन्होंने बंद किया हुआ था, क्योंकि छुट्टी का टाइम था, और छुट्टी के टाइम ही ऊपर नहीं जाने देते। फिर हम लोगों ने सोचा कि बस हम लोग घूम फिर आएँ, और हम लोग जाने लगे थे। बैग वगैरह हम लोगों ने उठाए और निकल गए। और ये
सारे फूल इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, मतलब जिस मतलब डिपार्टमेंट में जाओ आगे फ्लावर्स ही फ्लावर्स, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत हसीन लग रहे थे। और ये मतलब सारे यहाँ से सीधा हम लोग जाते हैं, वो सामने वाला जो डिपार्टमेंट था वो हमारा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब हम लोग बैठ गए यहाँ पर। फिर ये वाला जो मतलब था मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इतना हसीन था ये परिंदा, मतलब इसकी बैक मतलब सर पे चोंच थी, और ये मतलब डिपार्टमेंट में सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जा रहे थे, और ये सारा यूनिवर्सिटी का माहौल, मतलब कोई भी बच्चा नहीं था तकरीबन। हम लोग क्लासेस वगैरह लेकर आ गए थे, मतलब ये थोड़ी सी मतलब क्लास लेने के बाद ही हम लोग मतलब लाइब्रेरी से होकर आए थे, हम लोगों ने क्लास वगैरह लिए, वहाँ से हम लोग आ गए थे। मतलब छुट्टी भी जल्दी हो गई थी क्योंकि फ्राइडे था, फ्राइडे में मतलब इतनी मतलब वो नहीं थी। फिर हम लोग आकर बैठ गई वहीं पर, तो चलें हमने पूरा टूर करवा दिया यूनिवर्सिटी का। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।